अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज मेरा मौजू है इख्तनाक रहम, अंग्रेज़ी में इसको हिस्टेरिया कहते हैं। ये मर्ज नौजवान बच्चियों को होता है जो कुंवारी होती हैं, जिनके मेंसेस का मसला होता है, ठीक नहीं आते, तबान वो हसास होती हैं और काम काज में जो ज़्यादा काम नहीं देती, वक्त निकालती हैं, ज़्यादा काम नहीं करती, नाजुक मिजाज होते हैं, उनको ये मसला दरपेश होता है। उनको अचानक दौरा पड़ता है, बेहोश होकर गिर जाती हैं। बार दफ़ा वो मुंह से ऐसी आवाज़ें निकालती हैं जो हैरान कौन होती हैं। लोग महसूस करते हैं इसको जिन है या जिन्नात का शुबा किया जाता है। बाज़ औक़ात वो इतना हंसना शुरू कर देती है, देखने वाले हैरान रह जाते हैं। और बार दफ़ा ऐसा रोना रोती है कि देखने वाले बहुत ही परेशान होते हैं। अजीब व गरीब हरकत करती है ऐसी मरीज़ा, जिसको हिस्टेरिया का दौरा पड़ता है, उसके मुंह से झाग नहीं निकलते। इसके मिलते जुलते अलामत हिस्टेरिया के मिर्गी के भी साथ हैं। जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, इसी तरह हिस्टेरिया का भी दौरा होता है। फ़र्क यही है कि हिस्टेरिया की मरीज़ा को मुंह से झाग नहीं आती और मिर्गी के मरीज़ के मुँह से झाग निकलती। ये दौरा 10-15 मिनट से लेके 1 घंटे तक भी होता है और इसका तिबी इलाज जो है वो बिल्कुल आसान है। आप 1 तोला काफूर लें और 1 तोला नुशादर, इसका बारीक पाउडर बना लें, इसको हम नस्वार की तरह मरीज़ा के नाक में रख के थोड़ा सा फूंक देंगे, थोड़ी देर बाद मरीज़ा को होश आ जाएगा। इसी तरह अगर मरीज़ा बेहोश है, उसके मुँह पर ठंडे पानी के छींटे मारे जाएँ, वो भी होश में आ जाती है। इसका मुस्तकिल इलाज ये है कि आप असरोल, तिब्बी नाम इसका असरोल है, इसको छोटी चंदन भी कहते हैं, ये जड़ी बूटी है, इसकी जड़ इस्तेमाल होती है, असरोल और काली मिर्च, धनिया खुश, ये 3 चीज़ें बारीक पीस लें और इसके कैप्सूल 250 मिलीग्राम भर लें या चने के बराबर गोलियाँ बना लें, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम। ऐसी मरीज़ा को अगर देते हैं तो कुछ ऐसे बाद ये दौरा ख़त्म हो जाता है, मरीज़ा बिल्कुल ठीक हो जाती है और नॉर्मल हो जाती है। ये अक्सर उन ख़वातीन को, उन बच्चियों को होता है जो गैर शादीशुदा होती है। तो जैसे ही अगर मुमकिन हो आप अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लें, बच्ची को अगर ब्याह दें, उसकी शादी कर दें, तो ये भी बेहतरीन इलाज है। शरी तकाजा तो यही है कि जब बच्ची और बच्चा जवान हो जाए, अपनी उम्र बलूगत को पहुँच जाए, आकल और बालिग हो, अकल भी रखता हो, पढ़ा लिखा हो, बाशऊर हो, बच्चा हो या बच्ची हो, तो उसके लिए मुनासिब रिश्ता ढूंढ के उसका फौरन ब्याह कर दें, शादी कर दें, ये भी बेहतरीन इलाज है। अल्लाह आपको सुख सेहत दे, अल्लाह हमारे और आपके मसाइल हल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।